गुड इवनींग एवरीवान वेलकम टू अन अनडेमी तुम्हारे स्वागत जाना आन अकामिर अफिशियल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक डब्ल्यू पी एक्सम তো তোমরা এই চ্যানেলে ওয়েস্ট বেঙ্গল যাবতীয় প্রত্যেক পরীক্ষার নোটিফিকেশন পেয়ে যাচ্ছ প্রত্যেকটা সাবজেক্টের গাইডেন্স পেয়ে যাচ্ছ चलो तो गाइज ये चैनल आवाज आवाज क्लियर है क्या मेरी चलिए तो इस चैनल में आपको वेस्ट बंगाल रिलेटेड हर एक एग्जाम की नोटिफिकेशंस प्लस हर एक सब्जेक्ट का गाइडेंस मिल रहा है तो गाइज तुम्हारा ये चैनल सब्सक्राइब करो बेल आइकन तो अवश्य प्रेस कर चले आसी अनअकैडमी আন একাডেমি অ্যাপে তোমরা মায়ে ফলো করতে পারো কি করে ফলো করবে ফার্স্ট অফ অল আন একাডেমি অ্যাপ ইনস্টল করবে দেন চলে যাবে তোমরা ডাব্লুবিপিএসি গোল সেট করবে সেখান থেকে ফ্রি কোর্সে অ্যান্ড দেন নাম সার্চ করবে প্রীতি কুমারী সি অল করলে তোমরা থার্ড নাম্বারে আমার নাম দেখতে পাচ্ছ সেটা ফলো করে নে করে নিলে তোমরা প্রত্যেকটা ক্লাসের নোটিফিকেশান পেয়ে যাচ্ছো ওকে ইউটিউবে আমার ক্লাস তোমরা কখন পাচ্ছ তো সিক্স পি এম তোমরা ইউটিউবে আমার ক্লাস পেয়ে যাচ্ছো অ্যান্ড এইট পি এম তোমরা অ্যাপে আমার ক্লাস পাচ্ছ সায়েন্স ওকে গাইস এছাড়া এটা আমাদের টিম যিনি তোমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল এক্সামের মানে লেটস ক্র্যাক ডব্লিউ বি এক্সামের ইউটিউব চ্যানেলে প্রত্যেকটা সাবজেক্টের গাইডেন্স দেন আর এছাড়া আনঅ্যাকাডেমি তোমরা কেন চুজ করবে তো তার সাপেক্ষে বলতে পারি যে ডেইলি লাইভ ক্লাসেস স্ট্রাকচার কোর্স লাইভ টেস্ট ইনকুয়েজেস আনলিমিটেড অ্যাক্সেস তোমরা পেয়ে যাচ্ছো

वन थ्री सिक्स ट्वेल्व एंड ट्वेंटी फोर मंथ के सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और उसको उसके लिए आप ये कोड यूज कीजिए जिससे आपको टेन परसेंट की डिस्काउंट मिलेगी और टेन परसेंट लेकर आपका फीस स्ट्रक्चर होता है ठीक है तो चले आते हैं हम लोग क्या हुआ है किसी का कमेंट नहीं आ रहा है चलो तो तुम्हारा जखनी तुम्हरा फी स्ट्रक्चर देखते पे जा कतगुल देखा तुम रिडीम करते गाइस तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये कोड यूज कर लीजिए और उसके साथ साथ आप ये अपने कॉन्स को भी यहाँ रिडीम कर सकते हैं ठीक है तो हमारा आज का टॉपिक क्या है तो फर्स्ट इन इंडिया मतलब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि अगर हम लोग मेल की बात करें तो कौन से मेल होंगे जो फर्स्ट हैं और कौन सी फीमेल हैं ये दोनों हम लोग आज डिस्कस डिस्कस कर लेंगे जो इंडिया के फर्स्ट होंगे ठीक है मतलब किसी भी फील्ड में जो फर्स्ट होंगे चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है गाइस फर्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज तो फर्स्ट इंडियन आपको बताना है जिनको नोबेल प्राइज मिला हो चलिए जल्दी से आंसर कीजिए फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइस तो क्या होगा यहाँ पे आंसर अमिर नहीं आ रहा है किसी का चलिए देख लेते हैं फिर आंसर क्या होगा मैं ही दे देती हूँ आंसर क्या होगा यहाँ पे तो फर्स्ट इंडियन आपसे पूछा है चलो गाइज कमेंट करो मेरे को कमेंट नहीं आ रहा है किसी का भी जारा एटलीस्ट ऑनलाइन आचो तारा एक बार अंत तो कमेंट करो आंसर बा जो ऑडिबल ना होए ताहले एक बार शिटाओ कमेंट करे दाओ चलो देखनी आंसर की होवे चलो शिशिर आंसर चले से ऑप्शन नंबर ए एकदम ठीक शिशिर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर अब आंसर आ रहा है पता नहीं क्या हुआ था इतने देर चलो आंसर होगा क्या बिल्कुल रविंद्रनाथ टैगोर इज करेक्ट आंसर गाइस और पूरा लिस्ट आप लोग याद रखिएगा नोबेल प्राइज इंडिया का पूरा लिस्ट याद रखिएगा रिजु एकदम ठीक ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर তো মনে রাখবে সব সময় ইন্ডিয়ার পুরো লিস্ট পুরো লিস্ট মনে রাখবে আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি এক এক করে রবীন্দ্রনাথ টেগর কখন পেয়েছেন তো মনে রাখবে রবীন্দ্রনাথ টেগর 1930 এ ইনি নোবেল প্রাইস পান কিশে পান তো লিটারেচারে পান ওকে গাইস তারপর আমাদের সিবি রামান তারপর মনে রাখবে সিবি রামান সিবি রামান ইনি 1930 তে নোবেল প্রাইস পান কোন সাবজেক্টে পান তাহলে মনে রাখবে ফিজিক্স এ ইনি নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন ওকে গাইজ তারপর চলে আসে নাম হর হরগোবিন্দ খুরানা ইনি নাইনটিন সিক্সটি নোবেল প্রাইজ পান কোন ফিল্ডে মেডিসিন ওকে গাইজ তারপর মাদার ট্রিজার নাম আসবে নাইন নাইনটিন ইনি পিস নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন ওকে গাইজ মনে মনে রাখবে এইটাও এছাড়া এইটা তো সব তোমরা জানো এছাড়া যাদের নাম আছে তাদের নামগুলো ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায় কারণ অনেক কেউ জানে না

तो अमृत्य सेन जी का नाम कब आता है आ, तो आपको याद रखना है 1998 में इनका नाम आता है कौन से सब्जेक्ट के लिए तो बिल्कुल इकोनॉमिक्स के लिए इनका नाम एकदम रिजू एस चंद्रशेखर एकदम फेमस साइंटिस्ट हिले चलो चले आशी तार पर नाम आशे कार वी एस ओके वी एस का नाम आता है इनका नाम भी आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा तो वी एस की अगर मैं बात करती हूँ तो इनको 2001 में लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज मिला है ठीक है अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद और किसको मिला है तो इसके बाद और नाम आता है वेंकटी बा वेंकट रमन ओके वेंकटी बा वेंकट रमन रामाकृष्णन ओके गाइस रामा कृष्णन तो इन्हीं नोबेल प्राइज पेएछन कौन 2009 ए एंड इन्हीं केमिस्ट्री ते नोबेल प्राइज पेएछन किंतु इन्हीं यूएस एर ओके गाइस चलो अर एकटा नाम बोले दी তোমাদের नेक्स्ट नाम চলে আসি कैलाश सत्यार्थी ओके गाइस नेक्स्ट नाम है कैलाश सत्यार्थी जी का तो ये जो कैलाश सत्यार्थी हैं इनका इनको कब नोबेल प्राइज मिला है तो बिल्कुल याद रखिएगा इनको 2014 में नोबेल प्राइज मिला है किसके लिए पीस के लिए ठीक है शांति के लिए नेक्स्ट नाम आता है हमारे अभिजीत बैनर्जी का ओके okay, गाइस ये भी आपके यूएस सिटीजन है तो अभिजीत भले बंगाली हैं बट यूएस सिटीजन है तो अभिजीत बैनर्जी इनका नाम आता है एंड अभिजीत बैनर्जी का नाम जो है वो 2019 में हम लोगों ने सुना था किसके लिए इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज के लिए लेकिन इसके अलावा एक और नाम भी आता है लेकिन ये नाम 2001 में, 2001 में में जब पीस प्राइज मिला था कौन से इंस्टीट्यूट को मिला था तो इसको याद रखना है आईपीसीसी आईपीसीसी सी स्टैंड फॉर गाइज तो याद रखना इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ओके गाइज आई पी सी सी स्टैंड फॉर इंटर

चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ताले चले जाए देखो पूरा नाम नीरज गुड इवनिंग तो पूरा नाम मैंने बता दिया जितना जितने इंडियंस को नोबेल प्राइज मिला था ये सारा मैंने बता दिया ठीक है गाइस तो याद रखना है आपको सबका नाम याद रखना है जिसमें से कुछ आपके यूएस सिटीजन हैं जैसे हर गोविंद खुराना एस चंद्रशेखर रामकृष्णा रा, वेंकटी रामकृष्णा और आपके अभिजीत बनर्जी ये सारे यूएस के सिटीजन है ठीक है लेकिन बाई ब, मतलब ऑरिजिन जो है ये इंडियन है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी चलो जल्दी से आंसर करो रिजु नीरज आंसर करो क्या होगा शिशिर बोलो आंसर की हवे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी आईएनसी के फर्स्ट प्रेसिडेंट का नाम क्या जल्दी से आंसर करो आईएनसी के फर्स्ट प्रेसिडेंट का नाम क्या गाइस आंसर करो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी इंडियन ऑनो कंट्री के रिप्रेजेंट थोड़ा ही कुछ से यूएसए सि रिप्रेजेंट कुछ है कोर्ड चलो आंसर क्या हो जाएगा तो बिल्कुल यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है शिशिर का आंसर एंड ऑप्शन नंबर सी आ रहा है रिजू का आंसर गलत हो गया रिजू ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर डब्ल्यू सी बैनर्जी इज करेक्ट आंसर मोने रागबेग एटीन एटी फाइव तुमरा जार नाम पात्रो बॉम्बे गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में जो अधिवेशन हुआ था आई एन सी का आई एन सी का आ, सेशन সেটাতে সি ব্যানার্জি অ্যাজ আ ফার্স্ট প্রেসিডেন্ট ছিলেন আইএনসি এবার চলে আসি এ ও কে ছিলেন তাহলে মনে রাখবে আইএনসির ফাউন্ডার হিসাবে আমরা এ ও হিউমের নাম জানি নেক্সট চলে আসি বদরুদ্দিন ত্যাবজি যদি জিজ্ঞেস করে তোমাদের যে ফার্স্ট মুসলিম প্রেসিডেন্ট অফ আইএনসি তখন তোমরা নাম বলবে বদরুদ্দিন তয়েবজি ওকে জর্জ ইউলের নাম কখন তোমরা বলবে যখন তোমাদের জিজ্ঞেস করবে যে ফার্স্ট ইংলিশ প্রেসিডেন্ট অফ আইএনসি ठीक है गाइस तो फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट अगर पूछेगा आईएनसी का तब हम लोग नाम लेंगे किसका जॉर्ज यूल का चलिए बहुत बढ़िया आईएनसी के फाउंडर है 1885 में, सही, ठीक, चलो, नेक्स पे चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चलो जल्दी से आंसर करो यहाँ पर आपसे पूछा है फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पूछा है इंडिया का पूछा है चलो जल्दी से आंसर करो क्या होगा

ফার্স্ট প্রেসিডেন্ট অফ আইএনসি বলেছে আনসার ডাব্লিউসি ব্যানার্জি তো হবে এখানে কোশ্চনে তো কোনো কনফিউশন নেই তুমি কী বলতে চাইছো আমি বুঝতে পারছি না তাহলে কী করে বুঝবো যে বি হবে মানেটা কি चलो पहला फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पूछा है यहाँ पे तो आंसर होगा जाकिर हुसैन ओके गाइस शुभम फखरुद्दीन अली अहमद होबेना शुभम जाकिर हुसैन इज करेक्ट आंसर जाकिर हुसैन इज करेक्ट आंसर तुम लोग क्या पढ़ रहे हो इंडिया के प्रेसिडेंट के बारे में ही तुम लोग को नहीं पता है जबकि इससे पहले हमने प्रेसिडेंट को याद करने के लिए आपको एक ट्रिक्स भी बताया था खैर छोड़ो तो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन होंगे जाकिर हुसैन होंगे जाकिर हुसैन के बाद वीवी गिरी बने थे और उसके बाद फिर फखरुद्दीन अली अहमद का नाम आता है उसके बाद आपके फर्स्ट सी फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो प्रेसिडेंट बने थे उनका नाम है आपका उनका नाम होगा मोहम्मद हिदयतुल्ला चलो याद रखना है आपको कि फर्स्ट फर्स्ट सीजेआई अगर आपसे फर्स्ट एंड लास्ट अभी तक की इंडियन पॉलिटी में यही एक लौता नाम है मोहम्मद हिदायतुल्ला जो एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट के पोस्ट को सर्व किए हूँ ओके गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है द फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया चलो जल्दी से आंसर करो फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया चलो गाइस जल्दी से आंसर करो फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आंसर करो नीरज क्या होगा शुभम शिशिर आंसर करो कि अब फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया देखो मैंने साफ साफ इंडिया के नीचे अंडरलाइन किया हुआ अब गलत नहीं होना चाहिए देखो फिर गलत अब रिजू बोलेगा कि फिर क्वेश्चन तो क्वेश्चन में तो क्लियर नहीं था तो समझ में नहीं आया शिशिर का भी आंसर एकदम गलत है विलियम बेंटिंग इज करेक्ट आंसर क्या कर रहे हो आप लोग ऐसे एग्जाम क्लियर होगा फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला है इंडिया तो आंसर होगा विलियम बेंटिंग होगा वॉरेन हेस्टिंग तब होता जब हमसे पूछता फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो जिज्ञेस तो, आंसर हो तो वॉर हेस्टिंग्स किंतु हमारे जिज्ञेस जे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया তাহলে আমাদের আনসার হয়ে যাবে উইলিয়াম বেন্টিং ওকে চলে আসি মাউন্ট ব্যাটন মাউন্ট ব্যাটনের নাম কেন মনে রাখবে তোমরা তো যখনই তোমাদের জিজ্ঞেস করবে যে লাস্ট রয় লাস্ট অ্যান্ড ফার্স্ট গভর্নর জেনারেল অফ ফ্রি ইন্ডিয়া ওকে ফার্স্ট গভর্নর জেনারেল অফ ফ্রি ইন্ডিয়া তখন আমরা নাম বলবো মাউন্ট ব্যাটন ক্যানিং এর নাম কখন মনে রাখবো ক্যানিং এর নাম আসবে ফার্স্ট ওকে ফার্স্ট যদি জিজ্ঞেস করে তাহলে নাম আসবে ক্যানিং বা লাস্ট লাস্ট গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া যদি জিজ্ঞেস করে ওকে মনে রাখবে নেক্সট কোয়েশ্চনে চলে আসি তাহলে চলো নেক্সট কোয়েশন কোচালে ফের याद रखना ये वाला ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर तुम लोग हमेशा गलती करते हो तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरन हेस्टिंग था फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फर्स्ट विलियम वेंटिंग था एकदम सही नीरज रज एटीन थर्टी थ्री बहुत बढ़िया माउंट बैटन जो है वो आपका फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया था जब इंडिया आज़ाद हो गया तब की बात है ये या लास्ट वायसराय के नाम से आता है कैनिंग फर्स्ट वायसराय था और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है फर्स्ट एंड लास्ट फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन टू बी द गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया चलो आंसर करो कि क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर करो गाइस जल्दी से क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर करो क्या होगा यहाँ पे कहा गए सारे नीरज शिशिर आंसर करो शुभम रिजू आंसर करो क्या होगा यहाँ पे द फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन टू बी द गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया অপশন নাম্বার সি ফিরসে ভগবান আর রিজু গড ডি হয়ে গয়া রিজু সবচেয়ে প্রথমে তো অপশন নাম্বার সি পে আমরা आते हैं शिशिर ऑप्शन नंबर सी কেন হবে এখানে তো গভর্নর জেনারেল জিগেশ কোরেছে প্রেসিডেন্ট জিগেশ কোরেছে কি এইবার ঠিক আছে এন্ড রিজু माउंट बेटन की इंडिया चलो এখানে তো तो इंडियन বলেছে क्वेश्चन भालो करे सुनबो ना क्वेश्चन भालो करे पोड़बो ना तो आंसर तो भूल ही हो अभी ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा नीरज यहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं पूछा है तुम लोग ऑप्शन नंबर सी क्यों बोल रहे हो राजेंद्र प्रसाद कैसे हो जाएगा गवर्नर जनरल राजेंद्र प्रसाद सर थे क्या ये सब तो बच्चे लोगों वाला क्वेश्चन है उसके बाद भी गलत कर रहे हो चलो ऑप्शन नंबर सी नहीं ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर देखो नीरज क्वेश्चन पढ़ो नीरज क्वेश्चन पढ़ो जबरदस्ती सी ही होगा बोलने से तो नहीं होगा ना यहाँ पे नीरज प्रेसिडेंट नहीं पूछा है यहां गवर्नर जनरल पूछा है प्रेसिडेंट यहां नहीं पूछा है अगर अगर हम लोगों को प्रेसिडेंट पूछता या अगर हम लोगों को इंडिया का प्रेसिडेंट या कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का प्रेसिडेंट पूछता तो हम लोग राजेंद्र प्रसाद करते हैं क्या बोल रही हो तुम कि सी ही होगा सी राजा गोपालाचारी इज करेक्ट आंसर ये तो कोई भी नॉर्मल सी बुक में भी आपको नाम मिल जाएगा फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल जब भी पूछे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है द फर्स्ट मैन हु इंट्रोड्यूस प्रिंटिंग प्रेस चलो जल्दी से आंसर करो कौन सा पहला इंसान था जिसने प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में इंट्रोड्यूस किया चलिए जल्दी से आंसर कीजिए क्या होगा यहाँ पे फर्स्ट फर्स्ट मैन हु इंट्रोड्यूस फर्स्ट मैन हु इंट्रोड्यूस हाँ राजा जी करके मतलब उसका नाम सी राजा गोपालाचारी था जो फर्स्ट इंडियन थे फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल थे चलो देख लेते हैं यहाँ पे आंसर क्या होगा तो देखो फिर से रिजू का आंसर आया ऑप्शन नंबर डी डलहौजी डलहौजी प्रिंटिंग प्रेस कब इंट्रोड्यूस किए रिजू डी हॉबेना जेम्स हिकी इज करेक्ट आंसर बेंगाल गैजेट तुम लोग को याद है या नाम पता है बेंगाल गैजेट का तो बंगाल गैजेट जो है ये आपका फर्स्ट न्यूज़पेपर था फर्स्ट न्यूज़पेपर इंडिया का फर्स्ट न्यूज़पेपर जिसको चलाने वाले संपादक का नाम था जेम्स हिकी और इन्होंने ही इंडिया में फर्स्ट टाइम प्रिंटिंग प्रेस को इंट्रोड्यूस किया था याद रखना है डलहौजी का ये काम नहीं है डलहौजी ने फर्स्ट इंडियन रेलवे लाया चलो बहुत अच्छी बात है डलहौजी जो है डलहौजी जो है उनका नाम हम लोग किस लिए पढ़ते हैं उनका नाम हम लोग टेलीग्राफ लाने में भी पढ़ते हैं कि कलकत्ता से आगरा तक उन्होंने टेलीग्राफ लाइन को भी लाया था बट फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन जो है वो आपका कोलकाता से डायमंड हर्बल तक का है फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन ओके नाइनटीन के करीब है वो सॉरी एटीन के करीब है वो डलहौजी का जो टेलीग्राफ लाइन था वो आपका 1853 के करीब था और वो कलकत्ता से आगरा था दूसरी बात डलहौजी ने आ, फर्स्ट इंडियन रेलवे लाया ये भी एकदम सही है बॉम्बे टू थाने लेकिन कभी भी डलहौजी का नाम प्रिंटिंग प्रेस लाने में नहीं है जेम्स हिके इज़ करेक्ट आंसर जेम्स की जो कि एडिटर थे आपके बंगाल गैजेट के चलिए तो हमारा फर्स्ट न्यूज़पेपर भी अगर पूछता है तो बंगाल गैजेट ही है फर्स्ट न्यूज़पेपर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो की बोले से द फर्स्ट इंडियन टू जॉइन आईसीएस फर्स्ट इंडियन टू जॉइन आईसीएस चलो जल्दी से आंसर करो फर्स्ट इंडियन जिन्होंने आईसीएस ज्वाइन किया था आंसर करो इंडियन सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने वाला पहला इंडियन फर्स्ट इंडियन टू जॉइन आईसीएस चलो तात्री आंसर करो कि हमें फर्स्ट इंडियन जिन्होंने आईसीएस ज्वाइन किया इंडियन सिविल सर्विसेज ज्वाइन किया एकदम ठीक शिशिर वेरी गुड सूरज ए नहीं होगा सुभाष चंद्र बोस जी ने ज्वाइन नहीं किया था सूरज कुमार सत्येंद्र नाथ टेगोर इज करेक्ट आंसर गाइस सत्येंद्र नाथ टेगोर इन फर्स्ट स्नेहा बिल्कुल सत्येंद्र नाथ टेगोर इज करेक्ट आंसर बहुत बढ़िया रिजू ऑप्शन नंबर सी होना एस एन बैनर्जी कौकोनी होना नीरज एकदम सही सी नंबर नम, बी नंबर ऑप्शन एकदम सही है सत्येंद्रनाथ टेगोर सुभाष चंद्र बोस जी जो है वो आई आई क्रैक जरूर किए थे पास जरूर किए थे बट उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था तो इसीलिए याद रखिएगा सतेंद्रनाथ टेगोर फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज को ज्वाइन किया था ठीक है अब यहाँ इंडियन सिविल सर्विसेज से दो क्वेश्चन आता है फादर ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन किसको बोलते हैं तो बिल्कुल याद रखना कॉर्नवालिस को बोलते हैं ठीक है और अगर आपसे पूछता है कि किसने कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए इंडियंस को भी अपियर करने का मौका दिया तो वहां पे नाम आएगा डल हौजी का ठीक है डल हौजी का नाम आएगा जिसने इंडियंस को अपियर करने दिया था मतलब इंडियंस को एग्जाम में एंटर करवाया था हाँ बिल्कुल नीरज नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बोले इंडिया फर्स्ट मैन इन स्पेस तो इंडिया का फर्स्ट आदमी जो स्पेस गया हो चलो जल्दी से आंसर करो जल्दी से आंसर कीजिए क्या होगा यहाँ पे फर्स्ट इंडियन जो स्पेस में गए हो फर्स्ट इंडियन जो स्पेस में गए हो एकदम ठीक ऑप्शन नंबर एजुर आंसर राइट है ची. तो बिल्कुल राकेश शर्मा इज करेक्ट आंसर राकेश शर्मा जो है वो फर्स्ट इंडियन है जो स्पेस पे गए हैं बिल्कुल राकेश शर्मा स्नेहा बहुत बढ़िया नीरज एकदम सही शिशिर एकदम ठीक तो मोने राघ राकेश शर्मा इज करेक्ट आंसर और मिहिर सेन का नाम क्यों आता है जल्दी से कमेंट करो मिहिर सेन का नाम आप लोगों ने कहा सुना है जल्दी से आंसर कीजिए मिहिर सेन का नाम कहाँ सुना है मिहिर सेन का हाँ बिल्कुल नीरज एकदम सही चलो आंसर करो जल्दी से मिहिर सेन फर्स्ट इंडियन जिसने एग्जैक्टली फर्स्ट इंडियन जिसने इंग्लिश चैनल को पार किया है इसको याद रखना है भूलना नहीं है फर्स्ट इंडियन जिन्होंने इंग्लिश चैनल पार किया हो बिल्कुल स्विमर थे तो सही बात है लेकिन स्विमर के साथ साथ ये बिजनेसमैन थे लेकिन इनका नाम क्यों आता है वो याद रखोगे ना आप लोग तो बिल्कुल याद रखना इंग्लिश चैनल को क्रॉस करने वाले फर्स्ट इंडियन थे एकदम ठीक शिशिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो की बोले छे द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया हु रेजिग्न्ड विदाउट कंप्लीटिंग द फुल टर्म देखो तो हमारे हां सूरज ढलहौजी का नाम तो थोड़ा अच्छे लोगों में ही आता है ढलहौजी का बस एक एक जो आप लोगों का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था ना सत्य विलोप तो नीति बंगाले बोले और हिंदी में इसको बोलते हैं राज्य हड़प नीति बस ये एक पॉलिसी उनकी सही नहीं थी बाकी मैक्सिमम पॉलिसीज़ उनके जो हम लोग पढ़ते हैं या पढ़ते आए हैं वो तो सही थी बिल्कुल देखो यहाँ पे आंसर आया है शिशिर का भी आंसर आया है ए नीरज स्नेहा दोनों का आंसर आया है ए तो एकदम ठीक मोरारजी देसाई इज करेक्ट आंसर ओके तो मुने बे ए एकदम ठीक रिचू तो नाइन का ए जो है वो एकदम करेक्ट आंसर है याद रखना है मुरारजी देसाई जिन्होंने अपना टर्म बिना कंप्लीट करने किए ही रिजाइन दे दिया था ओके गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि बोले थे? से द फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ चलो जल्दी से आंसर करो क्या होगा फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया चलो आंसर करो की होबे फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ इन इंडिया बोलो की होबे गाइस क्वेश्चन नंबर टेन जल्दी से आंसर करो ऑप्शन नंबर सी आ रहा है यहाँ पे आंसर नहीं ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा यहाँ कमांडर इन चीफ पूछा है यहाँ पे आपसे फील्ड मार्शल नहीं पूछा है ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा राजेंद्र सिंह सिंह जो है ये आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर जनरल करियप्पा इज करेक्ट आंसर कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया अगर पूछे तो जनरल करियप्पा राजेंद्र मेजर जनरल राजेंद्र सिंह का नाम कहाँ आता है तो एकदम याद रखिएगा कि फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ओके फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अगर पूछता है तो मेजर जनरल राजेंद्र सिंह का नाम आता है अब आते हैं एच एफ एफ जे मानिक शॉ ये बहुत बार आप लोगों को एग्जाम में पूछा है वीवीआई अगर लिखूं तो कम नहीं है बहुत बार पूछा है तो मानिक शॉ का नाम आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि ये फर्स्ट फील्ड मार्शल थे ठीक है फील्ड मार्शल ओके okay अब आते हैं राकेश अस्थाना बोल के फिलहाल कोई नहीं है तो सॉरी राकेश अस्थाना बी के अभी के हेड है पहले नहीं अभी के ठीक है प्रेजेंट बी हेड है प्रेजेंट बी हेड तो गाइज यहाँ पे बिल्कुल सब डूबे हाँ एकदम देखो सबने गलत आंसर दिया तो बिल्कुल राकेश अस्थाना कौन है तो बिल्कुल याद रखना बीएसएफ के प्रेजेंट हेड अभी कौन है राकेश अस्थाना सर है ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर चलते हैं हम लोग और एक बात याद रखना कि ये जो मेजर जनरल राजेंद्र सिंह हैं इनको एक टाइटल मिला है इंडियन स्पैरो का ठीक है इंडियन स्पैरो का इंडियन स्पैरो का टाइटल किसको मिला है तो बिल्कुल याद रखना राजेंद्र सिंह को मिला है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हाँ देखो एग्जाम सामने और तुम लोग का परफॉर्मेंस देखो नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है द फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ द वायसरा एग्जीक्यूटिव काउंसिल तो पहले जो है वो आपका वाइसरा एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी था ना जब हम लोगों के जब हम लोग के यहाँ पे ब्रिटेन नई नई पॉलिसीज ला रहे थे तब की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट इंडियन कौन थे फर्स्ट इंडियन मेंबर आपको बताना है वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के चलो जल्दी से आंसर करो क्या होगा मेरे ख्याल से ऑप्शन के ऑप्शन देखकर समझ जाना चाहिए तुम लोगों को क्या हो सकता है बिल्कुल स्नेहा एकदम सही शिशिर एकदम ठीक बाकी आंसर अंशकर होता तरी तो एसपी सिन्हा इज करेक्ट आंसर बहुत बढ़िया एसपी सिन्हा इज करेक्ट आंसर बिल्कुल नीरज एकदम सही एसपी सिन्हा एकदम सही आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर रिजू ठीक आंसर मैच नेक्स्ट द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया इंडिया हु डिड नॉट फेस पार्लियामेंट चलो जल्दी से आंसर करो ये क्वेश्चन भी आप लोगों का बहुत बार आया है कौन सा फर्स, फर्स्ट फर्स्ट पीएम कौन से थे हमारे जिन्होंने कभी भी पार्लियामेंट फेस ही नहीं किया क्योंकि उनका टेन्योर भी कम था हाँ बिल्कुल स्नेहा एकदम सही सतेन्द्र प्रसाद सिन्हा चलो बोलो गाइस आंसर की हबे खाने फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया हु डिड नॉट फेस पार्लियामेंट इन्होंने कभी पार्लियामेंट फेस ही नहीं किया क्योंकि इनका टेन्योर भी कम था और उस अकॉर्डिंग पार्लियामेंट के सेशन बैठे नहीं थे आ, क्योंकि एक दो सेशन के बीच का मैक्सिमम गैप कितना होता है तो सिक्स मंथ का होता है है ना तो इसीलिए प्रॉब्लम हो गई और एक बात चलो पहले आंसर दे दो उसके बाद चौ चौधरी चरण सिंह इज करेक्ट आंसर अब जल्दी से कमेंट करो कि पार्लियामेंट के कितने सेशंस होते हैं जल्दी से कमेंट करो पार्लियामेंट के कितने सेशन होते हैं बिल्कुल सुमन कुमार सिंह ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर चरण सिंह करेक्ट आंसर चलो जल्दी से आंसर करो आ, नहीं शिशिर दो नहीं होता है शिशिर गलत हो गया रिजु तो चार हो गया रिजु का देखो छोटा सा एक सवाल है कॉमन सा कि पार्लियामेंट का कितना सेशंस चलो मैं बताती हूँ पार्लियामेंट के तीन सेशंस होते हैं सूरज चार कैसे हो गया कब हो गया एक बड़ा कब बिल्कुल स्नेहा तीन सेशन सेशन होते हैं बिल्कुल याद रखना तो पार्लियामेंट के तीन सेशंस होते हैं कौन कौन से होते हैं याद कैसे रखोगे तो बिल्कुल जैसे बोल रही हूं वैसे याद रखना बी एम डब्ल्यू ओके बहुत मेरे ख्याल से आप लोगों को गाड़ियां बहुत पसंद होगी है ना तो याद रखिएगा बी तो बी से हो गया आपका क्या तो बिल्कुल बी से हो गया बजट ठीक है एम से हो गया मॉनसून एंड डब्ल्यू से हो गया विंटर ओके okay? अब याद रहेगा हाँ बिल्कुल स्नेहा एकदम सही बजट मॉनसून विंटर बीएमडब्ल्यू सेशन चलो बहुत बढ़िया लाजवाब तो गाइज एकदम याद रखना इसको बीएमडब्ल्यू बोलकर याद रखना बहुत अच्छे से याद रहेगा बजट मॉनसून एंड विंटर ये तीन सेशन है से, पार्लियामेंट के और दो सेशंस के बीच का मैक्सिमम गैप मैंने बोला है ये नहीं बोला है कि सिक्स मंथ ही होगा मैंने बोला मैक्सिमम गैप सिक्स मंथ का हो सकता है ओके गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो की बोले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले आते हैं द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव भारत रत्न आपको बताना है कि फर्स्ट इंडियन कौन थे जिनको भारत रत्न मिला है चलो जल्दी से आंसर करो फर्स्ट इंडियन टू रिसीव भारत रत्न ऑप्शन देखकर आंसर करना फर्स्ट इंडियन टू रिसीव भारत रत्न क्या होगा आंसर स्नेहा नीरज शिशिर सूरज रिजू आंसर करो क्या होगा थर्टीन का बी बिल्कुल नहीं रविंद्रनाथ टेगोर साहब को भारत रत्न कब मिल गया रिजू देखो सूरज का भी आंसर आ रहा है रविंद्रनाथ टेगोर अरे यार रविंद्रनाथ टेगोर जी को तो नोबेल प्राइज मिला था ना भारत रत्न उनको कब दिया गया हाँ यहाँ पे शिशिर का आंसर एकदम सही आया है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर स्नेहा बी नहीं होगा तुम भी बी आंसर कर रही है तो रविंद्रनाथ टेगोर नहीं होगा एस राधा कृष्णन इज करेक्ट आंसर गाइस प्लीज इसको याद रखना एस राधा कृष्णन के साथ साथ दो और लोगों को मिला है जिनमें एक का नाम है सी राजा गोपालाचारी सी राजा गोपालाचारी एंड साथ ही साथ सी.वी. रमन को भी मिला है सी.वी. रमन को भी मिला है तो ये लोग थे फर्स्ट 1954 में जिनको नोबेल प्राइज मिला है स्नेहा सी राजा गोपालाचारी के साथ साथ राधा कृष्णन और सी.वी. रमन दोनों को मिला है मतलब तीन लोगों को मिला है एक साथ 1954 में अब समझ में आ गया स्नेहा प्रॉब्लम किसी को चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल, चलते हैं रमन इफेक्ट के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था रिजु 1930 ने रमन इफेक्टर जो ने उन्हें नोबेल प्राइज पान चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो की बोले से क्वेश्चन नंबर 14 गाइस हु फर्स्ट टू क्रॉस इंग्लिश चैनल बताओ आंसर क्या होगा कौन थे फर्स्ट जिन्होंने इंग्लिश चैनल क्रॉस किया था चलो जल्दी से आंसर करो द फर्स्ट इंडियन टू क्रॉस फर्स्ट इंडियन सारा इंडियन है इंडिया का बात कर रहे हैं वर्ल्ड की बात हम लोग बाद में करेंगे फर्स्ट इंडियन टू क्रॉस इंग्लिश चैनल फर्स्ट इंडियन टू क्रॉस इंग्लिश चैनल चलो बताओ आंसर क्या होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर्टीन बिल्कुल मेहर सेन करेक्ट आंसर एकदम ठीक बहुत बढ़िया स्नेहा मिहिर सेन इज करेक्ट आंसर तो याद रखना है आपको क्या मिहिर सेन जो है वो आपका 1958 में इन्होंने ये काम किया था अगर आपको पूछा जाता है फर्स्ट इंडियन फीमेल तो आपका नाम आएगा किसका आरती शाह का ठीक है फर्स्ट इंडियन वोमेन आपसे पूछा जाता है तो आरती शाह जी का नाम आएगा 1959 में उन्होंने ये काम किया था तो एक साल बस पीछे हो गई कोई दिक्कत नहीं है तो बिल्कुल इसको याद रखिएगा आरती शाह जी का नाम कब आता है जब फर्स्ट इंडियन वुमेन पूछा जाएगा बट ओवरऑल अगर इंडिया की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर ठीक है हाँ, बिल्कुल नीरज नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है हाँ बिल्कुल शिशिर वही मैंने बताया कि फर्स्ट लेडी में आरती शाह का नाम आता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है फर्स्ट पर्सन टू रिसीव जानपेट अवार्ड तो फर्स्ट पर्सन जिसको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला हो चलो जल्दी से आंसर करो फर्स्ट पर्सन हु क्या होगा फिफ्टीन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया रिजू यहां देखो पूछा क्या है फर्स्ट पर्सन फर्स्ट पर्सन पूछा है बिल्कुल स्नेहा यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर एंकर कुरूप करेक्ट आंसर क्या कर रहे हो आप लोग ये, ये मलयालम लैंग्वेज में लिखा करते थे ठीक है याद रखना है इसको मलयालम मलयालम लैंग्वेज में ये लिखते थे सबसे पहली बात इनको इनको आ, मतलब इनका कौन सा Uh, कौन सा बुक था जिसकी वजह से इनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है तो वो भी मैं आपको बता दे रही हूं ओदा कुजल ठीक है ओदा कुजल जो है इनकी बुक का नाम है तो उसको आप लोग याद रखिएगा उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अच्छा इनको जो ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था ना वो कौन से ईयर को मिला था वो भी मैं आपको बता देती हूँ तो इनको फर्स्ट फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड जो है शुरू कब हुआ था 1965 से मिला था शुरू हुआ था तो इसीलिए 65 में किसको मिला है तो शंकर कुरूप साहब को मिला है मलयालम लैंग्वेज पे ये लिखते थे और दूसरी बात कौन सा इनका बुक था तो ओडा ओडा uh, कुजुल जो है इनका मतलब एंथोलॉजी मतलब फूल के ऊपर बेस्ड था ये और आशा पूर्णा देवी का नाम भी आता है बट आशा पूर्णा देवी का नाम तब आएगा जब आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट इंडियन फीमेल ठीक है फर्स्ट इंडियन फीमेल या फर्स्ट इंडियन वुमेन अगर पूछा जाता है तो आशा पूर्णा देवी का नाम आता है रिजू तो इनको कब मिला था ये एक्चुअली कौन से लैंग्वेज में लिखती थी पहले वो बता देती हूँ पहले ये बंगाली लैंग्वेज में लिखती थी और बंगाली लैंग्वेज की ही इनकी एक बुक है जिसका नाम है प्रथम प्रतिश्रुति ओके गाइस देखो बुक का नाम मैंने बता दिया प्रथम प्रतिश्रुति ओके गाइस मुने रागबे और ईयर भी बता देती हूँ ईयर भी याद रख लेना তো तो बिल्कुल इनको 1976 में मतलब ऑलमोस्ट आपका शायद 12th नंबर में ये थी जिन जब उनको मिला था ज्ञानपीठ अवार्ड ना बोथ होतो না রিজু কোশ্চেন দেখে आंसर করবে তো না নিজের মনে आंसर করবে সেটা বলো তো ফার্স্ট পার্সন এখানে জিজ্ঞেস করেছে বলে নিয়ে যে বলো যে কে কে পেয়েছে এটা কি বলেছে না

नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि बोले स्पीकर ऑफ लोकसभा चलो आंसर करो फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा जल्दी से आंसर करो इंडिया के फर्स्ट स्पीकर का नाम क्या था लोकसभा के स्पीकर का नाम फर्स्ट देखो फिर गलत आंसर है रिजू शिशिर का आंसर एकदम सही है एकदम जीवी मावलंकर इज करेक्ट आंसर गणेश वासुदेव करेक्ट आंसर स्नेहा आंसर गलत हो गया है मीरा कुमार कब होगा जब हम लोगों से फर्स्ट फीमेल पूछा जाएगा तब तो हम लोग मीरा कुमार का नाम बताएंगे बट बत यहाँ पर तो मेरे को फर्स्ट स्पीकर पूछा है और फर्स्ट स्पीकर के हिसाब से मीरा कुमार बहुत पीछे हैं बहुत पीछे फिफ्टी से शुरू हुआ है लोकसभा मान लो फिफ्टी के फिफ्टी वन से आपका शुरू हुआ है उसके बाद से सोचो मीरा कुमार कब बनी है यही कोई दस बारह साल दस बारह साल पहले बनी होगी तो यहाँ पर आंसर जी मावलंकर मवल अंकर होगा ए अयंगर कब होगा जब हम लोगों को पूछा जाता फर्स्ट डेप्यूटी डेप्यूटी स्पीकर फर्स्ट डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा अगर पूछता तो ए अयंगर इज करेक्ट आंसर एम थंबदुरई कौन है तो ये प्रेजेंट अभी के प्रेजेंट डिप्यूटी स्पीकर है ये ओके एंड प्रेजेंट स्पीकर कौन है तो बिल्कुल ओम बिरला इज करेक्ट आंसर चलो कोई बात नहीं स्नेहा गलती नहीं करो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है द एजुकेशन मिनिस्टर सॉरी फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर चलो जल्दी से आंसर करो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर का नाम चलो गाइस आंसर करो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर क्या होगा आंसर फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर जगजीवन राम होबे ना आंसर जगजीवन राम तो राणा दीपर आंसर एकदम ठीक है अबुल कलाम अबुल कलाम आजाद एकदम ठीक बिल्कुल स्नेहा एकदम सही रिजू का आंसर फिर गलत है नीरज का आंसर एकदम सही है एग्जैक्टली शिशिर भूल होगा तो अब्दुल कलाम आजाद इज करेक्ट आंसर याद रखना है बहुत बार ये क्वेश्चन भी आप लोगों को पूछा है फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया अब्दुल कलाम आजाद इज करेक्ट आंसर लेकिन आ, अगर आपको फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर पूछा जाता तो हम लोग आंसर करते सरदार बल्लभ सिंह ठीक है अगर हम लोग को पूछा जाता फर्स्ट लेबर मिनिस्टर कौन थे तो हम लोग आंसर करते जगजीवन राम देखो मैंने आप लोगों को पूरा बता दिया है फर्स्ट जो फर्स्ट इंडिया का मिनिस्ट्री पैनल था ना वो पूरा मैंने लिस्ट आपको बता दिया है पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन कौन सा पोर्टफोलियो रखे हुए तो पीएम तो थे ही एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कॉमनवेल्थ रिलेशन और साइंटिफिक रिसर्च सरदार पटेल होम मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग एंड स्टेट ओके अच्छा अगर आपसे पूछता है फर्स्ट डेप्यूटी पीएम तो भी आंसर क्या होगा सरदार पटेल फर्स्ट डेप्यूटी पीएम कौन सरदार पटेल ओके okay, गाइस एग्जैक्टली exactly. बिल्कुल राणादीप नेक्स्ट देखो क्या है राजेंद्र प्रसाद साहब क्या संभाल रहे थे तो प्रेसिडेंट तो थे ही ये प्रेसिडेंट ये थे ना बने थे और इसके अलावा क्या थे फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद एजुकेशन मिनिस्टर जॉन मथाई रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट उसके बाद है आर के सनमुखन चेट्टी फाइनेंस बी आर अम्बेडकर लॉ ये इंपॉर्टेंट नेक्स्ट आते हैं जगजीवन राम जगजीवन राम तो ये आपके लेबर मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ सिंह ये थे डिफेंस मिनिस्टर राजकुमारी अमृत कौर एक मात्र यहाँ पे एक फीमेल दिख रही है तो राजकुमारी अमृत कौर कौन थी हेल्थ मिनिस्ट्री को संभाले हुए थी एस सी बाबा बाबा तो ये कॉमर्स डिपार्टमेंट एंड श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडस्ट्री एंड माइन्स ओके तो गाइस अच्छा स्नेहा बताते हैं। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है द फर्स्ट इंडियन एयर चीफ मार्शल चलो जल्दी से आंसर करो द फर्स्ट इंडियन एयर चीफ मार्शल क्या होगा यहां पे चलो स्नेहा आंसर करो मुखर्जी हैं तो बिल्कुल एस मुखर्जी इज करेक्ट आंसर चलो स्नेहा आंसर दे दिया मैंने भी देखो आंसर क्या होगा तो बिल्कुल एस मुखर्जी इज करेक्ट आंसर बिल्कुल इसको याद रखना है आपको कि फर्स्ट एयर चीफ मार्शल अगर आपसे पूछते पूछा जाता है तो बिल्कुल आपका आंसर होगा एस मुखर्जी ओके चलो अब अगर आपको पूछा जाता है आर डी कटारिया तो आर डी कटारिया के लिए क्या याद रखोगे कि फर्स्ट नेवल चीफ थे ये फर्स्ट नेवल चीफ कौन थे आर सी आर डी कटारिया सॉरी सी आर डी कटारिया नेक्स्ट आते हैं सोमनाथ शर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है सोमनाथ शर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है इसको याद रखना तो बिल्कुल गाइस याद रखना परमवीर चक्र फर्स्ट परमवीर चक्र जिनको मिला है फर्स्ट परमवीर चक्र विनर तो कौन है वो सोमनाथ शर्मा ओके गाइस एंड बिपिन रावत जो है ये आपके सीडीएस तो सीडीएस के हेड है ये और ये भी फर्स्ट ही है ओके okay? फर्स्ट भी और अभी प्रेजेंट भी बिल्कुल मेजर सोमनाथ शर्मा जो है वो परमवीर चक्र मिलने वाले पहले इंसान है जिनको परमवीर चक्र दिया गया था एंड बाकी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया बिपिन रावत सर जो है वो अभी के भी हैं और वो फर्स्ट भी है ठीक है तो फर्स्ट एंड प्रेजेंट सी चीफ कौन है तो बिल्कुल विपिन रावत इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है द फर्स्ट जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस चलो जल्दी जल्दी आंसर करो द फर्स्ट जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द हेग दिटरलैंड जो है उसके फर्स्ट इंडियन जज के बारे में पूछ रहा है फर्स्ट इंडियन जज के बारे में पूछ रहा है चलो जल्दी से आंसर करो आंसर करो की हो क्या हो गया तुम लोगों को आंसर करो बहुत इजी क्वेश्चन है अगर तीन ऑप्शन आप रिजेक्ट कर लोगे तो देखो आंसर एकदम सामने है आपके स्नेहा तीन ऑप्शन रिजेक्ट करने की कोशिश करो शिशिर का आंसर आ रहा है सी नहीं सी नहीं होगा रानदीप आंसर करो नीरज आंसर करो क्या होगा नीरज का आंसर आया ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर वेनेगल के बारे में मैं आपको बता देती हूँ अगर आपसे पूछा जाता है फर्स्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फर्स्ट कौन थे फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशनर ऑफ इंडिया सुकुमार सेन इज करेक्ट आंसर अगर आपसे पूछा जाता है फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ जनरल ऑफ इंडिया तो आंसर क्या होगा एम सी सतलवाद इज करेक्ट आंसर और नेक्स्ट हम लोग आते हैं नरहरी राव सर का नाम आप लोग कहाँ सुनते हो तो फर्स्ट कैक के चीफ का नाम क्या था तो बिल्कुल नरहरी राव इज करेक्ट आंसर तो बिल्कुल मिंजर शुकुमार सेन फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया थे एकदम सही है आंसर बिल्कुल कैक के जो फर्स्ट चीफ थे उसका ना, उनका नाम है नरहरी राव एकदम ठीक राणादीप वेरी गुड तो गाइस सारे लोग ये नाम सारे याद रखना भूलना नहीं बहुत बार आप लोगों को ये वाला तो एकदम कॉमन क्वेश्चन है सुकुमार सेन वाला बाकी सारा भी याद रखिएगा आप लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर हाँ प्रेजेंट कैक के चीफ जो है वो जी सी मुर्मू साहब एकदम सही अटॉर्नी जनरल आपके के के वेणुगोपाल सर है चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो आपके सुनील अरोरा सर है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर द फर्स्ट पर्सन टू रीच माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन चलो आंसर करो क्या होगा प्रेजेंट जो प्रेजेंट अपॉइंटमेंट जितने भी है ना स्नेहा रानादीप मैंने वो कवर करवा दिया है पहले ही ठीक है तो आप लोग प्ले प्ले लिस्ट में वो देख सकते हो मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा वहां से आप देख सकते हो वो क्लास ठीक है बहुत सारा स्टैटिक जीके और करेंट अफेयर का बहुत सारा टॉपिक मैंने कवर करवा दिया है नहीं शेरपा शेरपा मतलब कौन सा शेरपा शेरपा तेंजिंग और शेरपा अंगादोर क्या होगा स्नेहा प्राणादीप का आंसर आया है ऑप्शन नंबर सी रिजू का आंसर फिर डी पे चला गया चलो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर गाइस शेरपा अंगादोरजी इज करेक्ट आंसर ओके बछेंद्री पाल का नाम नहीं आता है बछेंद्री पाल का नाम कब आएगा जब हम लोगों से पूछा जाएगा फर्स्ट फीमेल ना फर्स्ट वुमेन तो तो में हम लोग का आंसर आएगा पाल बट यहां पर हम लोगों से पूछा है कि माउंट एवरेस्ट पे कौन विदाउट ऑक्सीजन फर्स्ट टाइम गया है तो आंसर होगा शेरपा अंगा ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हाँ एकदम शिशिर फर्स्ट वोमेन जो जिज्ञ करे ताले पाल नेक्स्ट क्वेश्चन दाखो क्यों बोले फर्स तो से फर्स्ट पर्सन टू रिसीव रमन मैक्स ए अवॉर्ड चलो आंसर करो फर्स्ट ফার্স্ট পারসন টু রিসিভ রমন মাক্সসে অ্যাওয়ার্ড চলো তাড়াতাড়ি করে आंसर করো ফার্স্ট কিন্তু ইন্ডিয়ান আমি আগেই বলে দিয়েছি ফার্স্ট ইন ইন্ডিয়া আজকের টাইটেল ছিল ক্লাসের টাইটেল ছিল মানে সবগুলো ইন্ডিয়ার হয়ে দিক দেশ করছে বলো কি হবে आंसर এখানে ফার্স্ট পারসন টু রিসিভ রমন মাক্সসে অ্যাওয়ার্ড অপশন নাম্বার ডি आ रहा है मिंजर का आंसर आ रहा है आचार्य विनवा भावे तो बिल्कुल सही एकदम सही आंसर है आचार्य विनवा भावे इज करेक्ट आंसर रवीश कुमार को अभी हाल फिलहाल प्रेजेंट में प्रेजेंट में मतलब आपका 2019-20 की अगर हम बात करते हैं ना तो रमन मैक्स से अवार्ड 2019-20 का किसको मिला है तो बिल्कुल रवीश कुमार को मिला है मतलब 2020 ही पकड़ लो एकदम रिसेंट वाला ठीक है 2020 का रमन मैक्स से अवार्ड रवीश कुमार सर को मिला है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्सन द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव स्टालिन प्राइज चलो चलो बोलो फर्स्ट पर्सन टू रिसीव स्टालिन प्राइज का अरे स्नेहा आचार्य से कन्फ्यूजन होता है चलो कोई बात नहीं आंसर करो क्या होगा देखो पूछा है और रिजू का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी मतलब सुभाष चंद्र बनर्जी बो, सॉरी बोश सॉरी सॉरी अच्छा अ, मिंजर का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए आई थिंक अच्छा चलो शिशिर का भी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल यहाँ पे आंसर होगा शैफुद्दीन किचलू तो सैफुद्दीन किचलू का नाम आप लोगों ने कहा सुना था 1919 में आप लोगों ने वाला बाग के बारे में सुना है ना तो वहां रॉलेट एक्ट रॉलेट एक्ट जो आपका 1919 मार्च में आया था उसके उसके अंडर दो लोगों को गिरफ्तार किया गया था ना तो एक का नाम था सैफुद्दीन किचलू एक का नाम था सत्यपाल है ना तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया था जिसके बाद जालियनवाला बाग में एक मीटिंग बुलाई गई थी जिसके बाद ये सारा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था मतलब बाग हत्याकांड हुआ था है ना अप्रैल में तो खैर जो भी है सैफुद्दीन किचलू को मिला है स्टैलिन प्राइज और स्टैलिन प्राइज जो है वो अभी अभी लेनिन लेनिन पी, पीस प्राइज के नाम से जाना जाता है लेनिन पीस प्राइज के नाम से जाना जाता है ये जो स्टैलिन प्राइस था ना ये पहले यूएसएसआर देती थी उसके बाद तो भाई यूएसएसआर जो है वो आपका सोवियत संघ जो है उसको तोड़ दिया जाता है तो मतलब लेनिन प्राइस जो है वो अब रशिया की तरफ से दिया जाता है ठीक है गाइस याद रखना है इसको मैंने सारा इंफॉर्मेशन दे दिया ऑलमोस्ट जो आपके काम का है तो इनको कब मिला था तो अच्छा यूएसएसआर जो है ये ये 1955 तक ये नाम रहा और उसके बाद 1955 के बाद लेनिन पीस प्राइस के नाम से ये जाना जाता है পিস প্রাইস রানধি পিস প্রাইস এটা দেখো আমি লিখেছি এখানে এটার নাম 1955 এর পর এটার নাম চেঞ্জ হয়ে গেছে লেলিন প্রিস প্রাইস হয়ে গেছে চলো नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चनে চলে আসি তাহলে দা ফার্স্ট ফরেনার দা ফার্স্ট ফরেনার টু রিসিভ ভারত রত্ন ও চলো তাড়াতাড়ি কো আনসার করো কি হবে फर्स्ट फॉरेनर टू रिसीव भारत रत्न कौन से फर्स्ट फॉरेनर हैं जिन्होंने भारत रत्न जिनको भारत रत्न दिया गया हो चलो बोलो मिंजर आंसर करो आगे द फर्स्ट फॉरेनर टू रिसीव भारत रत्न तो फर्स्ट फॉरेनर तुम्हारे विदेशी जिज्ञेश को जिनी जी, भारत रत्न अवार्ड पान आंसर की हो बे? देखो रानदीप बोले अली जिन्ना ना एकदम नय अली जिन्ना होबे ना एग्जैक्टली exactly, शिशिर एकदम ठीक स्नेहा एकदम सही तो बिल्कुल गाइस खान अब्दुल गफ्फार खान इज करेक्ट आंसर ओके okay, मोने राग पे खान अब्दुल गफ्फार खान जाके अमरा फ्रंटियर गांधी वा सीमांत तो गांधी हिसाबे जानी ओके okay, खान अब्दुल गफ्फार खान इनी एंजल मानुष जीनी भारत रत्न तो पे छे तार साथे-साथे निशाने पाकिस्तान ओके okay, निशान निशाने पाकिस्तान पाकिस्तान हाइएस्ट सिविलियन अवॉर्डो इन पे तो मने रखे ए छाड़ा इना के फ्रंटियर गांधी बोला मन रखे एंड एक तैयारी जार नाम रेड शर्ट ओके रेड शर्ट याद रखना है इसको ये बहुत बार पूछा है रेड शर्ट बोलकर सोसाइटी किसने बनाई थी एक्चुअली इनका इसका पहले जो है नाम था आपका खुदादा खिदमत उसके बाद इसका नाम अभी रेड शर्ट बाद में कर दिया गया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट तो आपको बताना है कि फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन थे चलो जल्दी से आंसर करो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट पूछा है यहाँ पे फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट भारत रत्न रानदीप ये क्वेश्चन था कोरिए ची आगे तो भारत रत्न जिनी पान फर्स्ट इंडियन तार मुदे तीन जोने नाम आशे सी राजा गोपालाचारी तार पर तुम्हारे ए राधा कृष्ण एंड सी वी रमन स्नेहा क्या पूछी है हाँ मिला था थोड़ा सा कंफ्यूजन है स्नेहा बता देते हैं बिल्कुल यहाँ पे आंसर बी आ रहा है बहुतों का आंसर बी आ रहा है तो बिल्कुल बी इज करेक्ट आंसर का कोई कंफ्यूजन नहीं बी इज करेक्ट आंसर फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट इंडियन चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कौन थे तो बिल्कुल हीरालाल जे कानिया इज करेक्ट करेक्ट आंसर ये जो एलिज एम्फे का नाम है ना ये सेवनटीन में जो हमारा कैलकटा में कैलकटा में जो फेडरल कोर्ट बना था मतलब फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जो बना था हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं ठीक है तो वो फेडरल कोर्ट के नाम से था ना तो फेडरल कोर्ट के फर्स्ट अगर चीफ जस्टिस के बारे में जाता है, तो अंडर बनाया गया था तो गई बिल्कुल याद रखिएगा रेगुलेटिंग एक्ट सेवनटीन रेगुलेटिंग एक्ट सेवनटीन के अंडर सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया है तो कैलकाटा में पहले बनाया गया था इसको उसके बाद फिर इसको शिफ्ट किया गया एज अ सुप्रीम कोर्ट ओके गाइस एच के कृपलानी का नाम मैं आपको बता देती हूं कहां पे आता है एच के कृपलानी का नाम कभी भी आपसे पूछा जाए अगर कि फर्स्ट फर्स्ट चेयरमैन फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूपीएससी यूपीएससी आफ्टर इंडिपेंडेंस ओके आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात मैं कर रही हूं मतलब अगर फर्स्ट इंडियन पूछा जाता है तो आंसर एच के कृपलानी होगा लेकिन यूपीएससी की अगर मैं बात करती हूं तो वो 1926 में ही बन चुका था और 1926 में हमारे यहां पर कौन थे तो हमारे यहां पर अंग्रेज थे है ना तो रॉस बार्कर का नाम कहाँ आता है रॉस बार्कर का नाम आता है फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूपीएससी के नाम पर देखो कंफ्यूजन कहीं है तो पूछ लो जल्दी से फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूपीएससी और यूपीएससी कब बनी थी मैंने बताया 1926 में बनी थी तो फर्स्ट चेयरमैन उसके बाद जब हम लोगों का देश आजाद हुआ 1947 में तब यूपीएससी के चेयरमैन कौन बनाए गए तो करेक्ट आंसर अब समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले क्या चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है फर्स्ट लेडी टू टू बिकम मिस এই অপশনটা অ্যালিস এমফে আমি বললাম যে আমাদের সুপ্রিম কোর্ট ফেডারেল কোর্ট হিসাবে ক্যালকাটায় বানানো হয়েছিল ওকে রিজু তখন তখন ওই ফেডারেল কোর্টের চিফ জাস্টিস ছিলেন অ্যালিস এমফে ওকে এই ফেডারেল কোর্টটা বানানো হয়েছিল তো একদম মনে রাখবে দ্য রেগুলেটিং অ্যাক্ট সেভেনটিন তারপর কি হয়েছে তারপর তোমরা জানো যে আমাদের এই কোর্টটা বা আমাদের ক্যাপিটালটাও দিল্লিতে শিফট হয়ে যায় তার তারপরে আমাদের সুপ্রিম কোর্টও ডেল্লিতে শিফট হয় তো সেটাই বললাম যে আফটার দ্য গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট নাইনটিন থার্টি ফাইভ আমাদের সুপ্রিম কোর্টটাকে আমাদের ফেডারেল কোর্ট যেটা ছিল সেটাও অ্যাজ আ সুপ্রিম কোর্ট হিসাবে দিল্লিতে শিফট হয়ে যায় बोले जी अरे स्नेहा ऐश्वर्या राय आंसर क्यों होगा ऐश्वर्या राय आंसर नहीं होगा रीता फारिया इज करेक्ट आंसर बिल्कुल फर्स्ट लेडी टू बिकम मिस वर्ल्ड मिस वर्ल्ड जो फर्स्ट बनी थी उनका नाम रीता फारिया है ऐश्वर्या राय का नाम नहीं आता है हां सुस्मिता सेन का नाम जरूर आता है लेकिन वो मिस यूनिवर्स में आता है मिस यूनिवर्स में आता है नाम सुष्मिता सेन का फर्स्ट ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो की बोले छे फर्स्ट वुमेन जज इन सुप्रीम कोर्ट चलो जल्दी से आंसर करो फर्स्ट वुमेन जज इन सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट फीमेल जज कौन थी सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट फीमेल जज कौन थी चलो जल्दी से आंसर करो सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट फीमेल जज चलो आंसर चले इससे

फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ओके गाइस हाई कोर्ट है जो दी फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस तो मधेर कौकुनो जिकेश करा हुआ है लीला सेट इस करेक्ट आंसर एंड कौन हाई कोर्ट है चिलेन तो मोने राग बे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ओके हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट है रिनी चीफ जस्टिस चिलेन इबर चले आशी सरोजनी नाइडू सरोजनी नाइडू तो फर्स्ट फीमेल गवर्नर रिनी चिलेन

बिल्कुल यहाँ पे स्नेहा का आंसर एकदम सही है तो सी बी मुथामा इज करेक्ट आंसर वेरी गुड गाइज बहुत बढ़िया नहीं ऑप्शन नंबर डी ना सुषमा चावला ना आंसर सी मुथामा इज करेक्ट आंसर ओके शिशिर आंसर नंबर ए ऑप्शन नंबर ए होबे बिल्कुल तो सी बी मुथामा इज करेक्ट आंसर गाइज सी बी मुथामा নেক্সট কোশ্চেন দেখো কি বলেছে নেক্সট কোশ্চেন দা ফার্স্ট ওম্যান টু ক্লাইম্ব মাউন্ট এভারেস্ট দা ফার্স্ট ওম্যান টু ক্লাইম্ব মাউন্ট এভারেস্ট চলো বলো তাড়াতাড়ি করে কি হবে এখানে দা ফার্স্ট ওম্যান টু ক্লাইম্ব মাউন্ট এভারেস্ট ট와이스 ট와이스 জিজ্ঞেস করেছে আচ্ছা ফার্স্ট টাইম এই কোশ্চেনটা মিনজার চলো কোনো ব্যাপার নেই তো ট와이스 জিজ্ঞেস করেছে দেখো আবার ভুল মিনজার কোশ্চেন ভালো করে পড়ো তারপরে आंसर করবে

নেক্সট কোশ্চেন দেখো কি বলেছে দ্য ফার্স্ট ওম্যান প্রেসিডেন্ট অফ আইএনসি দ্য ফার্স্ট ওম্যান প্রেসিডেন্ট অফ আইএনসি চলো তাড়াতাড়ি করে অ্যানসার করো ফার্স্ট ওম্যান প্রেসিডেন্ট অফ আইএনসি আইএনসি এর ফার্স্ট ওম্যান প্রেসিডেন্ট হিসাবে কাকে জানো ফার্স্ট

सर्व करेक्ट है ओके फर्स्ट एनी बेसेंट 1917 कलकत्ता सेशन सेकंड वन सरोजनी नायडू किंतु यदि फर्स्ट इंडियन फीमेल जीकेश करे তাহলে সরোজনি নাইডুর নাম চলে আসবে কিন্তু যদি আমরা দেখি তাহলে এনিবেসেন্ট আগে তারপর সরোজনি নাইডু ইনি 1925 কানপুর सेशन ओके okay? কানপুর सेशन তারপর নিলি সেনগুপ্ত এরও নাম আসে 1933 कलकत्ता सेशन ओके तीनटै बोले दिएছি তিনটে ফিমেল প্রেসিডেন্ট ছিল আইএনসি তে হ্যাঁ মিনজার ডেইলি হয় ক্লাস ডেইলি হয় ছটায় ओके अच्छा তোমাদের একটা কথা বলি দি 14 दिसंबर ओके 14 दिसंबर किंतु 14 दिसंबर मंडे ओके तो তোমরা 5 पीएम আমার ক্লাস পাবে এন্ড 5 पीएम তোমাদের ম্যারাথন সায়েন্সের ম্যারাথন ओके সায়েন্সের ম্যারাথন ক্লাস কারণ এনটিপিসির ডেট অ্যানাউন্স হয়ে গেছে তো সেই জন্যে রিভিজন ক্লাস এইটা ফাইভ হান্ড্রেড কোয়েশ্চেন সায়েন্সের থাকবে ওকে ফার্স্ট শিশির যদি ফার্স্ট ইন্ডিয়ান ফিমেল প্রেসিডেন্ট অফ আইএনসি জিজ্ঞেস করে তাহলে আমাদের আনসার হবে সরোজিনী নাইডু ওকে কিন্তু ওভারঅল যদি দেখি তাহলে এনিবেসেন ফার্স্ট সরোজিনী নাইডু সেকেন্ড এন্ড নিলি সেনগুপ্ত থার্ড এবারে বোঝা গেছে शिशिर चलो কোন ব্যাপার নেই এবারে करेक्ट করে নিয়েছো হ্যাঁ তো মনে রাখবে গাইস কি জিজ্ঞেস হচ্ছো সুরজ समझ में नहीं आया आप में क्या मतलब सूरज समझ नहीं आया देखो ये वाला तो मैंने आपको बता दिया फोर्टीन दिसंबर पांच बजे है क्लास पांच बजे है क्योंकि वो मैराथन क्लास है तो थोड़ा सा खिंचेगा ही सूरज क्वेश्चन सही से पूछो नहीं समझ में आ रहा है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है द फर्स्ट ओमेन एयर वाइस मार्शल चलो तात बोलो आर पांच क्वेश्चन पड़े आ हाँ, जो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट जिज्ञेश करें बदरुद्दीन तैबजी इज करेक्ट आंसर एंड फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट जो जिज्ञेस करे जॉर्ज इज करेक्ट आंसरऑल आई एन सी फर्स्ट प्रेसिडेंट जो जिज्ञेस करे डब्लू सी बैनर्जी इज करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टी का आंसर क्या होगा द फर्स्ट वोमेन एयर वाइस मार्शल रिजू का आंसर जो है वो एकदम गलत है ना सी ना डी इज करेक्ट आंसर पी बंदोपाध्याय पी बंदोपाध्याय करेक्ट आंसर गाइस क्या कर रहे हो ये जो आपको दिख रहा है नाम हरिता कौर दयाल हरिता कौर दयाल इन फर्स्ट फर्स्ट फीमेल पायलट ओके फर्स्ट फीमेल पायलट इन इंडियन एयर फोर्स इन इंडियन एयर फोर्स ओके চলো নেক্সট চলে আসি পুনিতা আরোরা পুনিতা আরোরার নাম তুমি কোথায় পাচ্ছ তো ফার্স্ট ফিমেল ফার্স্ট ফিমেল লিউটিনেন্ট জেনারেল ওকে জেনারেল সুষমা চাওলা সুষমা চাওলা এনার নাম তোমরা কোথায় পাচ্ছ তো ফার্স্ট চেয়ারপারসন फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइन इंडियन हम इन ठीक हो नो ना फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइन ओके गाइस देखो मैंने सारा बता दिया आप लोगों को क्या क्या था यहाँ पे ऐप अच्छा सूरज ऐप में नहीं है ये जो मैराथन क्लास है वो ऐप में नहीं है. टाइम मैराथन क्लास आपकी यूट्यूब वाली है यूट्यूब वाली छः बजे की जगह वो पाँच बजे है क्योंकि मैराथन uh, क्लास है इसीलिए एक घंटे आगे बढ़ा दिया ना ना मंडे एपेर क्लास था एग्रोटा हॉबे 11 ए एम शौकाले एबार बुझे रिजू चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बोले फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली चलो जल्दी से आंसर करो फर्स्ट वोमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली चलो को आंसर करो सूरज समझ में आया यूट्यूब पे ही है पांच बजे चलो को आंसर करो यूएन जनरल असेंबली फर्स्ट फीमेल फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट एग्जैक्टली exactly. यहां पे आंसर रिजू का एकदम सही है विजयलक्ष्मी पंडित इज करेक्ट आंसर चलो बहुत बढ़िया विजयलक्ष्मी पंडित इज करेक्ट आंसर एंड कंचन कंचन चौधरी भट्टाचार्य ये जो नाम दिख रहा है ना तो ये फर्स्ट फीमेल डीजीपी थी फर्स्ट फीमेल डीजीपी ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो देख लो क्या बोल रहा है द फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ यूपीएससी यूपीएससी की फर्स्ट फीमेल चेयरमैन कौन थी चलो जल्दी से आंसर करो फर्स्ट फीमेल ऑफ यूपीएससी फर्स्ट फीमेल चेयरमैन ऑफ यूपीएससी बोलो की होने आंसर तो थर्टी टू क्वेश्चन नंबर थर्टी टू गाइस क्वेश्चन नंबर थर्टी टू का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे तो बिल्कुल यहाँ पे आंसर हो जाएगा रोज बेथ्यू हां किरण बेदी एज अ आईपीएस ऑफिसर फर्स्ट नाम होना हमरा जानते पाई एकदम ठीक रजिया नाम, Muslim, सुल्ताना नाम एज अ फर्स्ट मुस्लिम ब फर्स्ट फीमेल शासिका सुल्ताना ये सबे हमरा जानते पाई ओके okay? मीरा प्रसाद होबे ना आंसर होबे रोज मेलियन बेथ्यू इज करेक्ट आंसर गाइस फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ यूपीएससी इज रोज मिलियन बेथ्यू ओके मोनि रागबे रोज मिलियन बेथ्यू इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन की बोले फर्स्ट टू रिसीव भारत रत्न अवार्ड तो फर्स्ट फीमेल जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला हो जल्दी से आंसर करो क्या होगा फर्स्ट फीमेल जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला है आंसर करो गाइस क्या होगा जल्दी से आंसर करो ফার্স্ট ফিমেল যিনি ভারতরত্ন অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন চলো দেখিনি আনসার তাহলে কি হবে একদম এখানে আনসার মনে রাখবে ইন্দিরা ইজ কার্যক্ আনসার ভুল হয়ে গেছে রিজু অপশন নম্বর ডি হবে না আরতি শাহের নাম তো এখনই তোমরা পড়েছিলে যে ফার্স্ট ফিমেল যিনি ইংলিশ চ্যানেল ক্রস করেছেন আবার আরতি শাহ কি করে হয় রিজু फर्स्ट भारत रत्न अवार्ड मिला है इंदिरा गांधी को इसको याद रखना है आपको अरुंधति भट्टाचार्य फर्स्ट फीमेल एमडी फर्स्ट फीमेल एमडी एमडी ऑफ एसबीआई एसबीआई की फर्स्ट फीमेल एमडी थी आशा पूर्णा देवी फर्स्ट फीमेल जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था चलो कौन व्यापार नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि बोले थे थर्टी फोर क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर चलो जल्दी से आंसर करो क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर का आंसर क्या होगा द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव अशोक चक्र फर्स्ट फीमेल जिनको अशोक चक्र मिला है आंसर करो जल्दी से फर्स्ट फीमेल जिनको अशोक चक्र मिला है आंसर करो फर्स्ट फीमेल जिनको अशोक चक्र मिला है आंसर होगा निर्जा भनोट एकदम ठीक रिजू वेरी गुड तो शिवांगी सिंह का नाम कहा आता है फर्स्ट फीमेल जिन्होंने राफेल विमान को उड़ाया है ठीक है मिंती अग्रवाल फर्स्ट फीमेल जिसको वॉर सर्विस मेडल मिला है वॉर सर्विस मेडल और ये दोनों ही आप लोगों का 2020 करंट अफेयर का टॉपिक हो जाता है ठीक है एकदम ठीक रानादीप निर्जा भनोट और रोज बैथ्यू का नाम अभी हम लोगों ने पढ़ा यूपीएससी में इनका नाम आ रहा है नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट इन इंडियन एयरफोर्स तो फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट इन इंडियन एयरफोर्स इन इंडियन एयरफोर्स की हो आंसर ये चलो जल्दी से आंसर करो हाँ से एकदम भलोक मन रख मन थकबे रिजू फार्स्ट फिमेल फाइटर पायलट इन इंडियन एयरफोर्स क्या होगा गाइज जल्दी से आंसर करो आंसर क्या होगा यहाँ पे तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर राणादीप रिजू ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर अवनी चतुर्वेदी भावना कांत और मोहना सिंह तीन जो फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट हिसाब से ओके शिशिर सी होना ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर एकदम ठीक राणादीप অপশন নাম্বার ডি হবে অল হবে মানে মিনজার একদম ঠিক তো गाइस মনে রাখবে অল ইজ करेक्ट आंसर ओके এবারে চলে আসি তোমরা আমায় আনアカডেমি তে ফলো করতে পারো ক্লাসের টাইমগুলো মনে রাখবে ইউটিউবে প্রত্যেকদিন তোমরা 6টায় ক্লাস পেয়ে যাচ্ছো ওকে 6 পিএম এন্ড আনアカডেমি অ্যাপে সাইন্স এর ক্লাস সেটা পাচ্ছো তোমরা 8 পিএম ওকে তো আজকে আমরা টপ 50

তো ওইটা ফলো মানে আমার প্রোফাইল ফলো করে নিলে প্রত্যেকটা ক্লাসের নোটিফিকেশন তোমরা পেয়ে যাচ্ছ ওকে আগেই বলে দিয়েছি তোমাদের যে ফরটিন ডিসেম্বর ডিসেম্বর ইউটিউবে ইউটিউবে ফাইভ পি এম তোমাদের ক্লাস ফাইভ পি এম কিসের ক্লাস ম্যারাথন সায়েন্সের ম্যারাথন ওকে সায়েন্স ম্যারাথন হবে बोले दी ड क्वेश्चन सल्व करब मैं रिविजन हिसाब से चलो एपे स्टेहोम स्टे सेफ टेक केयर एंड